सो हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग, स्वागत है आप सबका और एक न्यू वीडियो में। तो आज मैं आप लोग को स्नैपसीड एप्लीकेशन से फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं, जो कि आप थंबनेल पे देख ही लिए होंगे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि आने वाला मेरे न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको स्नैपसीड ओपन कर लेना है। स्नैपसीड ओपन करने के बाद आपको फोटो ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टोन इमेज पे सिलेक्ट कर लेना है, और आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लेना है। ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा लेना है। कंट्रास्ट बढ़ाने के बाद आपको फिर यहाँ पे हाईलाइट्स को थोड़ा बढ़ा लेंगे। स्विच मूव करने के बाद आपको यहाँ पे फोटो को सेव कर लेने के बाद आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके व्यू एडिट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे टोन इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको ब्रश वाले आइकन को क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे फोटो को जूम करके थोड़ा हम यहाँ पे फेस पे ड्रॉ करके स्मूथनेस को इंक्रीज कर लेंगे। तो देख सकते हो आप अपने फ़ोटो पे इसी तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो चलिए हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। सो गाइस, इतना करने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से सेव करके आपको बैक जाना है। फिर से बैक जाने के बाद आपको फिर से पेंसिल वाले पेन को क्लिक करके आपको यहाँ पे डिटेल्स वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इसको भी अपना फोटो के हिसाब से थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, और आपको यहाँ शार्पिंग को भी थोड़ा बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद सिंपली हम बैक पे जाएंगे, फिर वही वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके आपको एडिट्स पे क्लिक करना, और डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ब्रश वाले आइकन को क्लिक कर देना। फिर उसी तरीके से हम यहाँ पे फेस पे ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ड्रॉ करने के बाद आपको फिर से बैक जाना है। फिर से बैक जाने के बाद आपको पेंसिल वाले ऑप्शन पे से क्लिक करना है, और नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे डबल एक्सपोजर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड ऐड करना है। तो हम फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड ऐड कर लेना है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से हमको आपको डिटेल्स को पूरा फुल बढ़ा लेंगे। यहाँ पे इसको बढ़ाने के बाद आपको फिर से राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से वही वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर व्यू एडिट्स पर क्लिक करेंगे। व्यू एडिट्स पर क्लिक करने के बाद आपको डबल एक्सपोजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पे फोटो को कुछ इस तरीके से आपको बैकग्राउंड में ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ड्रॉ करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से एडिटिंग हो रहा है। तो चलिए हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। तो सो गाइस, देख सकते हैं आप, मेरा फोटो एडिटिंग हो चुका है। तो कैसे लगी ये फोटो एडिटिंग, प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस, हम उतने अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते यार, प्लीज़ अगर मेरे से कोई गलती हो गया होगा तो वीडियो में प्लीज़ छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।